हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे को देखने के लिए पूरे साल देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों ये ईसा खान नियाजी का मकबरा है जो शेरशाह सूरी के दरबार में आमिर थे। आमिर का मतलब होता विशेष पर्सन। ये मकबरे का परिसर है। अभी हम मकबरे के अंदर चलते हैं। ईसा खान नियाजी के साथ यहां उनके परिवार के सदस्यों की भी कब्रें हैं। ये दोस्तों ईसा खान मकबरे के पास मस्जिद है जो आपको अभी हम पास से जाके दिखाएंगे। जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद का अंदर का भाग है। अभी हम आगे चलते हैं। ये बू हलीमा गेट है। यह विशाल दरवाजा बू हलीमा के मकबरे के बगीचे तक जाता है। अभी हम आगे चलते हैं। दोस्तों अभी हम पश्चिमी द्वार से एंटर कर रहे हैं। ये मकबरे का पूरा मैप है, आप देख सकते हैं।
हुमायूं का मकबरा पश्चिमी द्वार के बिल्कुल सामने है। पश्चिमी द्वार में एंट्री करते ही ये मकबरा आपको दिखाई देगा। इस मकबरे का परिसर दोस्तों 30 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 13 एकड़ की जगह बगीचों के लिए यूज की गई है। चार बाग मकबरे की परंपरा इसी मकबरे के बाद शुरू हुई थी दोस्तों। इससे पहले भारत में ऐसे मकबरे नहीं होते थे, ऐसे बगीचे वाले मकबरे नहीं थे भारत में। इसके बाद ही ये परंपरा शुरू हुई। दोस्तों इस मकबरे में एक वाटर चैनल बनाया गया था, आपको दिखाते हैं। देखिए वाटर चैनल दोस्तों 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों इस इमारत को बनाने में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ताजमहल के जैसा है, लेकिन ताजमहल से इसको 60 साल पहले बना लिया गया था। इस मकबरे को ही देखकर ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। दोस्तों ये मकबरा हुमायूं की याद में उनकी पत्नी बेग बेगम, जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता है, उसने बनवाया था। अभी हम मकबरे के अंदर चलते हैं। ये मकबरा 2 मंजिला है। ये हुमायूं का मकबरा है दोस्तों। दोस्तों ये हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे के अलावा यहाँ पर मुगल परिवार के 150 सदस्यों की कब्रें हैं। दोस्तों ये मकबरा नाई का मकबरा के नाम से लोकप्रिय है। ये मकबरा मुगल परिवार के शाही बारबर का है। ये नीला गुम्बद है, इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।